नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम हैं इस समय सेंट्रल बुटीक होटल मुरादाबाद के रूम नंबर 201 में। रूम नंबर 201 एक डीलक्स कैटेगरी का रूम है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं सेंट्रल बुटीक होटल के द्वारा इसके डीलक्स कैटेगरी के रूम में। इस होटल का पुराना नाम अमारा बुटीक होटल था, जिसे बाद में बदलकर सेंट्रल बुटीक होटल के नाम से रख दिया गया। बात करें अगर लोकेशन की, तो ये होटल लोकेटेड है मुरादाबाद के सिविल लाइंस एरिया में, पीली कोठी के पास में। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होटल काफ़ी पॉश लोकेशन पर लोकेटेड है और यहाँ से ईज़िली कहीं भी मूव किया जा सकता है, क्योंकि कन्वीनियंस आपको होटल के नीचे से ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। ये सामने जो डोर देख रहे हैं, दिस इज़ एंट्रेंस ऑफ दिस रूम। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं बाहर का व्यू कैसा है। दोस्तों, जैसे ही हम रूम में अंदर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये डोर मिलता है। दिस डोर इज़ द डोर ऑफ द वॉशरूम। एक बार ओपन करके देख लेते हैं अंदर का व्यू कैसा है। वॉशरूम में हम जैसे ही अंदर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हम देख सकते हैं हमें मिल जाता है वॉश बेसिन और ऊपर एक वर्टिकल वॉल मिरर। यहाँ आपको दिया जाता है एक मैग्नीफायर मिरर। और बेसिक टॉयलेट्रीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ आपको प्रोवाइड कराया जाता है शावर जेल, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, सोप, डेंटल किट, दैट्स ऑल। यहाँ आपके लिए दिया गया है हैंड टॉवल। और वॉश बेसिन के ठीक बगल में आपको मिल जाते हैं WC। दिस इज़ द बेदिंग सेक्शन, जहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाती है शावर की फैसिलिटी। और यहाँ आपके लिए टॉवल दिया गया है, यहाँ एडिशनल बकेट एंड अ मग, दैट्स ऑल। कर देते हैं वॉशरूम के डोर को क्लोज। वॉशरूम के डोर के ठीक सामने आपको एंट्रेंस गेट के राइट हैंड साइड पर मिल जाता है ये वार्डरोब, जिसके अंदर आपको काफ़ी सफिशियंट स्पेस है, जिसमें अपने आप लगेज वगैरह या ज़रूरी सामान रख सकते हैं। वार्डरोब के ठीक बगल में आपको यहाँ पर मिल जाता है इलेक्ट्रिक केटल, कुछ टिश्यू पेपर्स, कप, ग्लास और यहाँ पर आपके लिए टी, शुगर, मिल्क एंड कॉफ़ी सैशे। यहाँ रखा हुआ है इस होटल का डाइनिंग मेन्यू। चेक कर लेते हैं फूड का रेट कैसा है, रिजनेबल है, एट द हायर साइड पर है। ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, स्टार्टर्स, सूप। तो दोस्तों, आपको इससे रेट का काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। मेरे हिसाब से रेट काफ़ी रिजनेबल है, हायर साइड पर मैं नहीं बोलूँगा इसे। रख देते हैं रूम मेन्यू को वापस से। इसके बगल में यहाँ हमें मिल जाता है लगेज रखने के लिए रैक, और लगेज रैक के बगल में यहाँ आपको प्रोवाइड कराया जाता है टेलीविज़न सेट। यहाँ आपको मिल जाता है सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। और एयर सर्कुलेशन के लिए आपको रूम में प्रोवाइड कराया जाता है एक फ़ैन। ऊपर यहाँ पर कोई फ़ैन एडिशनल नहीं दिया जाता है। टेलीविज़न सेट के बगल में यहाँ स्टडी के लिए टेबल और इसके ऊपर एक मिरर। इसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ अगर हम देखेंगे, तो आपको प्रोवाइड कराया जाता है लैम्प और ऊपर एक खूबसूरत वॉल पेंटिंग। टेलीविज़न सेट के साइड से अगर सामने का व्यू देखें, तो सामने का व्यू आता है कुछ इस तरीके का, जहाँ आपको मिल जाता है आपके लिए 6 फीट बाई 6 फीट का किंग साइज़ बेड। और दोनों बेड के बगल में बेड साइड टेबल और दोनों बेड साइड टेबल के ऊपर खूबसूरत लैम्प। बेड के राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें, तो ये वॉशरूम वाला सेक्शन है, जो कर्टन हम स्लाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिया जाता है टेलीफोन फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरकॉम। बेड की साइड से अगर हम सामने के व्यू की बात करें, तो सामने का व्यू आता है कुछ इस तरीके का। ये हमारा एंट्रेंस वाला एरिया है और ये सामने टेलीविज़न सेट। देन आपको राइट हैंड साइड पर इधर मिल जाता है बाथरूम वाला सेक्शन। और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम यहाँ देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है सीटिंग अरेंजमेंट, एक सेंटर टेबल और दो चेयर दी गई हैं। बेड के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये जो सेक्शन दिखता है, दिस इज़
विंडो ऑफ दिस रूम। एक बार कर्टन को स्लाइड करके हम देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। करते हैं कर्टन को अपलिफ्ट। दोस्तों ये है विंडो से बाहर का व्यू, आप देख सकते हो बारिश काफ़ी हो रही है। सामने आप देखोगे तो काफ़ी सारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं, और यहाँ से जो रोड यहाँ पर आपको दिख रही है ये मेन रोड है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो पूरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं आसपास। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हो मुरादाबाद और आप चाहते हैं कंफर्टेबल स्टे, तो सेंट्रल बुटीक होटल आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।